बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट गोरखपुर में शुक्रवार को अधिवक्ताओं ने एक आम सभा की बैठक का आयोजन किया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल उपाध्यक्ष प्रशांत सिंह अटल मौजूद रहे। इस दौरान अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए प्रशांत सिंह अटल ने कहा कि ग्राम न्यायालयों के विरोध में न्यायिक कार्य पिछले कई दिनों से बाधित है। अधिवक्ताओं की जो मांगे हैं वो जायज हैं, जिसके संबंध में मुख्यमंत्री से वार्ता कर ग्राम न्यायालयों की स्थापना को मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए आदेशों को निरस्त करने का अनुरोध करेंगे। इस दौरान उन्होंने बार एसोसिएशन के आम सभा में मौजूद अधिवक्ताओं से आग्रह किया कि हड़ताल को खत्म कर न्यायिक कार्यों को किया जाए और अपनी लड़ाई की एक रणनीति बनाकर उसे मजबूती से लड़ा जाए। इस दौरान उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य मधुसूदन त्रिपाठी, बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट के मंत्री अजय शुक्ला, एडवोकेट हृदय नारायण यादव सहित सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ता आम सभा में मौजूद रहे। और बाजूराम भौरिया जी गए, पांच मेंबर्स गए थे, तो हमने चीफ जस्टिस साहब से तब भी कहा 19 तारीख को भी कि ग्राम न्यायालय का पेपर से ताना माना नहीं हो सकता कि इस तरह से अर्जेंट मीटिंग बुला ले, लेकिन आपको हम बताएं कि किस तरह से आपने सबको लेकर और तुरंत कहा नहीं इस पर मीटिंग है, आप ग्राम न्यायालय अपनी लोकप्रियता के लिए पूरी नहीं कर सकते, इस पर प्रस्ताव पारित हुआ और सारी चीज आपके सामने, तो इतना त्वरित काम जो हुआ तो निश्चित रूप से 27 तारीख को मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से मिला लोकभवन में, मैंने वहां भी ये बात कही, तिवारी जी दिल्ली मंत्री हैं, उनसे भी मिले हैं दिल्ली राज्य मंत्री और बाकी लोगों से, लेकिन मुख्यमंत्री जी को भी मैं मुख्यमंत्री जी को बताना है महामहिम से आगे बढ़ा जाए, तो हम लोग 7 तारीख को दो ही लोगों का अपॉइंटमेंट था, वसुंधरा त्रिपाठी जी का और हमारा, गवर्नर साहब के यहाँ इन्होंने कहा कि मुझे यहाँ संघर्ष समिति की बैठक में मुझे यहाँ रहना है, मिलकर पूरी बात करिए, तो मैंने ये पत्र दिया, इस पर आवश्यक कार्रवाई मंत्री जी करें, ये करके उसी दिन से डेट डिस्पैच हो गया 7 तारीख को और हम परेश मिश्रा जी और अजय शुक्ला जी तीन सदस्य, जब हम लोग हड़ताल करते हैं विभाग के अध्यक्ष और मंत्री रहते हैं, शायद उनमें उनके पास ऐसा संचय भी रहता है कि उनकी तरह चला लेंगे, लेकिन कई बार नए अधिवक्ताओं का भी ध्यान रखना चाहिए। पत्र के भावनाओं के को अवगत कराते हुए उसके अपने आप को संबद्ध करते हुए इस मांग को छोड़ा नहीं जाएगा, जैसे महाभारत की लड़ाई में राज की युद्ध विराम हो जाता था, तो इसको इस तरह से युद्ध विराम के रूप में लें, और मैं निवेदन करूंगा श्रीवास्तव जी से और पूरी आम सभा से कि हड़ताल को खत्म किया जाए। सरकार जी ने फोन किया हमको रास्ते, कहने क्या हो रहा है सारा 125 और जो है क्या कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस, सब छोटे छोटे हम लोग महिला है प्रयोग करें कि ठीक योजना बना के अगली बार हम लोग हड़ताल करें, तो योजना रखना के साथ करें, लेकिन मैं आग्रह करूंगा माननीय उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष होने के नाते आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं कि हड़ताल को आप फिलहाल ब्रेक दें, और मैं जल्दी से निवेदन करूंगा कि इस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं, लड़ाई को लड़ेंगे, आपके प्रतिनिधि आपके गवाह आपके जो शुभचिंतक हैं वो वहां पर हैं, इस लड़ाई को ब्रेक नहीं दिया जाएगा, लेकिन हड़ताल को समाप्त किया जाए, सारे फोरम पर बातों को रखा गया है, इसको और मनपूर्वक रखा जाएगा और ठीक से रणनीति बनाई जाए, आगे भी जरूरत पड़ेगी तो फिर हड़ताल करें, इस पर कोई ऐसी बात नहीं है। मैं आग्रह करने आपसे आया हूँ कि हड़ताल की 24-25 दिन चल गई है, तो 15 तारीख से वर्किंग डे है, आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि ऐसा प्रस्ताव करें कि काम हो और आगे जब जरूरत पड़ेगी तो हम लोग आपके साथ। एक बात और कहिए, वही करके अपनी बात समाप्त करेंगे, बाकी निर्णय आपको करना है, जो भी आप निर्णय करेंगे उसमें हम आप अपने आप को जोड़ेंगे, अगर आप जो करें उसके साथ हम आपके हैं। आदरणीय मंत्री जी ने 15 सूत्रीय मांग पत्र दिया है, एक ग्राम न्यायालय से संबंधित ही है, दूसरा गोरखपुर खंडपीठ बनाने की बात है, इस पर तीसरी बात है पूर्वांचल की जनता राजस्व परिषद की स्थापना होनी चाहिए, दीवानी परिषद में अधिवक्ताओं को बैठने के लिए समुचित अधिवक्ता कक्ष का निर्माण कराया गया, इस लड़ाई को लड़े जाने की जरूरत है कि जहां पगडंडी थी वहां सिक्स लेन सड़कें हो, पर वकील 72 साल के बाद भी तीन में मड़ई में छपड़ा में छपड़ा में बैठने के लिए मजबूर, इसलिए हमने अभियान लिया
कि उत्तर प्रदेश की सभी कचहरियां, सभी तहसील तीन मुक्त, मड़ई मुक्त, छपरा मुक्त, और इसको हम लोग लड़ाई लड़ेंगे कि किसी तरह से सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पत्र लिखे जाए, सारे एमएलए को पत्र लिखे जाए, चाहे वो जिस दल के हो, कि अपनी निधि का 10 लाख 5 लाख कचहरियों को दे, अपने तहसीलों को दे, ताकि मड़ई में तीन में बरसात में वकील बैठता है और ऐसे खून गार देता है, पानी गिरता है, पता नहीं चलता कि पसीने का पानी है, बरसात का पानी है, ये पता नहीं चल पाता। इसलिए ये सूरत और सीरत बदलनी पड़ेगी। आपने अपनी पीढ़ी को बिता दी तीन के नीचे, मड़ई के नीचे, छपरा के नीचे, घबरा के नीचे। आने वाली पीढ़ियां तीन मड़ई में नहीं बैठना चाहती है। दुनिया बदल रही है, भारत बदल रहा है, इसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी और जो भी संभव होगा उसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। इसमें आप बिल्कुल चिंता रख रहे हैं। पांचवा मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण की बात है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कंसर्न चीफ जस्टिस से रिमांड रखी जाएगी, चीफ जस्टिस साहब से रखी जाएगी, एडमिनिस्ट्रेटिव जज साहब से भी इसको रखा जाएगा, रवि मौर्य जी से। अधिवक्ता कल्याण निधि 10 लाख रुपए करने की बात है। फिलहाल हमको लगता है कि 5 लाख रुपए है तो हो ही जाना चाहिए, 5 लाख 1.5 लाख से 5 लाख ये शीघ्र होना चाहिए। 12 लाख बहुत पुरानी बात है, 1.5 लाख है। उनको 5,000 रुपया मिले, इसकी इसका शासनादेश आ गया किताब कापी के लिए, और लोक भवन में कार्यक्रम हुआ उसमें शासनादेश आया है, इसका अनुपालन ठीक से हो जाए, नए वकील जो आ रहे हैं उनको 5,000 रुपये मिले, फिर आगे इसको बढ़ाए जाने की बात है, वो अलग बात है। दूसरा ये 70% किया जाए 60 से 70, ये भी हो गया है। उस दिन भी हमने मुख्यमंत्री जी से कहा कि ये लागू नहीं हो पाया है, आपने घोषणा तो कर दी नौ, लेकिन अभी ये लागू नहीं हो पाया है। इन्होंने कहा नहीं, इसको दिखवाते हैं। हमने कहा जो भी आपको गाइड कर रहा है वो गलत गाइड कर रहा है। आप 60 से 70 साल जो 9 मार्च को घोषणा कर दिए, तो ये पैसा मिलना चाहिए, इसमें देरी नहीं की जानी चाहिए। चीफ मिनिस्टर साहब की बात है तो बात एकदम ऐसी होनी चाहिए, तुरंत जाइए। उन्होंने कहा मैं इसको बात करता हूँ लॉ मिनिस्टर से भी और एडवोकेट जनरल से भी कि कैसे जल्दी से जल्दी हो सकता है। ये 60 से 70 की घोषणा ऑलरेडी कर चुके हैं, 10,000 रुपये मासिक पेंशन, ये हमको लगता है कि इसके लिए लड़ाई लड़ने की जरूरत है। आयुष्मान योजना पे आदरणीय सुंदर जी से बात हो रही थी, इस पर इंडियन हेल्थ मिनिस्टर से हम लोग का एक डेलीगेशन, हम आप चले मनन मिश्रा जी को भी ले लेंगे जो बात काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन है, और इसको 1-1 महीने के अंदर ही इस बात को रखा जाएगा कि किसान और गरीब मजदूर अनपढ़ सबको आप सुझा दे रहे हैं और ये देश की मार्गदर्शक कौन है, इसको क्यों नहीं आयुष्मान योजना के तहत लाते हैं, इसकी दवाई पढ़ाई इसकी फ्री होनी चाहिए, इस लड़ाई को लड़ी जाएगी, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। उस कार्य की धनराशि हमको लगता है कि ये बाकी जो मांग है अधिवक्तापूर्ण कानूनी और बहुत भाग्यशाली हैं आप कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ से जाते हैं। हम लोग कटोरा लिए हुए गोरखपुर से मांगते हैं, गोरखपुर के लोग हमसे मांगते हैं, ये भी एक आश्चर्य लग रहा है। बहुत ज़्यादा बात पिछले कार्यक्रम में भी जब हम आए थे तो शिव प्रताप शुक्ला जी यहाँ थे, तो उन्होंने कहा था कि कुछ बजट हम देंगे, कुछ शायद हाईकोर्ट की लोग है उसको ठीक करके बजट करेंगे। हमने वो तब फाइनेंस मिनिस्टर से तभी हमने कहा था कि वकील को लोन नहीं मिलता है और आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वकील हैं और फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो ये सही बात है कि हम लोगों को जहाँ पूछना चाहिए वहाँ हम लोग नहीं पहुँच पाए। लेकिन जैसा आदरणीय मसूदन जी ने कहा कि आज अवसर सिर्फ ग्राम न्यायालय का है, ग्राम न्यायालय पर लड़ाई बंद नहीं की जाए, मुझको लगता है अल्प विराम देने की आवश्यकता है और काम आगे बढ़े। मैं निवेदन करूंगा यहाँ की कार्यकारिणी से, आम सभा से, कि लड़ाई बातों से लड़ रही है, आपके हितों के संवर्धन के लिए, आपके हितों की लड़ाई के लिए पूरी लड़ाई लड़ेंगे, यह विश्वास दिलाते हुए कि इस दुष्यंत की कविता है ये सारा जिस उम्र की वो जिसे झुककर दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था तुम्हें धोखा हुआ होगा, अब मैं आपसे और अपेक्षाएं की जाती है और इसको आप ताकत के रूप में लें,
कि और कैसे और अच्छी लड़ाई लड़ी जाए, और जो जिस तरह का मार्गदर्शन आदर के सुना जी ने दिया वहां भी मैं हम लोग बैठेंगे, इस लड़ाई लड़ेंगे। एक बार हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूँ कि हड़ताल पर अल्प विराम करें और आगे लड़ाई की योजना बनाकर फिर लड़ाई लड़े, यही निवेदन करता हुआ आपने बुलाया विशेष तौर पर आदरणीय मधुसूदन जी को और आप सभी लोगों को कि आपने बुलाया और हमारी बात सुना, यही करता हुआ अपनी बात समाप्त।